तो वही आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू का ये पार्ट सेवन है, यानी कि लास्ट पार्ट है ये। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने दो पार्ट को पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर को समझा, इस क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि चैप्टर वन में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसी तरह इसमें भी आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। समझने के बाद आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका अर्थ होता है पटना की सुंदरता। पटना क्या है जी? तो हमारे राज्य की राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो वहीं की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र की सुंदरता पाठ में किस नगर की वर्णन की गई है, मतलब किस नगर के बारे में बताया गया है। नगर मतलब होता है बड़ा सा शहर। वो कौन सा बड़ा शहर है जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका गंगाया, गंगा। क्या गंगा नदी कोई नगर है जी? दूसरा ऑप्शन है तिलौथु नगरस्य, तीसरा है आरा और चौथा है पाटलिपुत्रस्य। तो चारों में से कौन होगा? पाटलिपुत्रस्य, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र का वर्णन करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, बुद्ध काले यानी कि महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, पटना नगर का नाम क्या था, यानी आज जिसका नाम पटना है। तो महात्मा बुद्ध के समय में, यानी आज से करीब करीब 2500 वर्ष पहले के समय में, उस जगह का नाम क्या था? तो ऑप्शन है पहला पाटलग्राम, दूसरा है पटना, तीसरा है पाटलीग्राम और तीसरा है पुष्पमपुरम। तो आप लोग याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के टाइम में पाटलीग्राम, उसको क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम। क्योंकि जो आज पटना एक शहर है, पहले वो एक गांव था। क्या था? वह एक गांव था। तो वहां पर महात्मा बुद्ध एक बार गए थे, जब वो गांव के जैसा था, छोटा सा जगह था। तो उन्होंने बताया था, भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय आएगा कि यह जगह, यह गांव महानगर बनेगा। यह गांव, यह क्या बनेगा जी? महानगर बना। और आज वो पटना के नाम से जाना भी जाता है और महानगर भी बना है। आज से लगभग 2500 साल पहले ये घटना हुई थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु जो पुल है वो कहां पे है? तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगरे यानी पटना शहर में, दूसरा है पहरपुर ग्राम में, पहरपुर गांव में, तीसरा है सासाराम नगरे, सासाराम नगर में और चौथा है बक्सर नगरे, बक्सर नगर में। तो महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है जी? पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र नगरे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा? सही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा प्रश्न है हमारा कि नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर की पालिका देवी किनको कहा जाता है, यानी पटना नगर के जो पालिका देवी है उन किनको कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है ए नंबर पटन देवी, बी नंबर है दुर्गा देवी, सी नंबर है शीतला माता, डी नंबर है सरस्वती माँ। तो वो कौन है जी? तो वो है पटन देवी। कौन है? पटन देवी। वहां पे उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है, आप लोग पटना कभी जाएंगे तो पटन देवी का एक मंदिर है, जो माना जाता है कि वो पटना नगर की रक्षा देवी हैं, रक्षा करती हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही है। अब आइए पांच नंबर, कूटनीम काव्यस्य रचनाकार कह। कूटनीम काव्य की रचना किसने किया था, यानी कि किताब है जिसका नाम है कूटनीम। क्या नाम है? कूटनीम। तो उस किताब की रचना किसने की थी, किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है दामोदर गुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है मेगास्थनीज। तो किसने लिखा था?
दामोदर गुप्त ने। जब पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कूट नीमताक के काव्य की रचना किसने की थी, तो उनका नाम था दामोदर गुप्त। तो इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। फिर है हमारा 6 नंबर प्रश्न कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, किस महापुरुष का जन्म पटना में हुआ था। यानी चार, यहाँ पे चार महापुरुषों का नाम दिया गया है, उसमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन महापुरुष है जिनका जन्म कहाँ हुआ है, पटना में। तो ध्यान से सुनेंगे, पहला है गुरु नानक, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरे व्यक्ति हैं महावीर, और चौथे हैं गुरु गोविंद सिंह। तो चारों में से वो कौन थे जिनका जन्म पटना में हुआ है, गुरु गोविंद सिंह। किनका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो सिख धर्म के अंतिम और दसवें गुरु माने जाते हैं, अंतिम और दसवें गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा जी, सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक से गलती हो गया है, आप लोग गुरु गोविंद सिंह ही लिखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। यहाँ पे चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। तो सबको पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, सही है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। 8 नंबर है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा है। तो ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेघास्थनिज। तो चंद्रगुप्त मेघास्थनिज ने कोई किताब का वर्णन नहीं किया है ना लिखा गया है। एक है दामोदर गुप्त और एक है राजशेखर। तो अभी आपने दामोदर गुप्त के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कूटनीम लिखा था, क्या लिखा था, लेकिन काव्य मीमांसक नामक किताब को किसने लिखा है, तो वह है राजशेखर। कौन है, राजशेखर। जब किताब पढ़ेंगे तो सब जगह लिखा हुआ है किसको किसने लिखा है। 9 नंबर है कि राज्ञ अशोकस्य, राज्ञ मतलब होता है राजा, राज्ञ मतलब राजा, अशोकस्य मतलब हुआ अशोक के, राजा अशोक के समय समय में अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत, राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी। वैभव मतलब सुंदरता, यानी कि जब राजा चंद्रगुप्त के पौत्र यानी कि उनके पिता पुत्र के पुत्र जो अशोक का नाम लोग सुने होंगे चक्रवर्ती अशोक, तो अशोक जब पटना का राजा था, मगध का राजा था, तो उस समय पटना की सुंदरता कैसी थी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दिया गया कि विपरह, बी नंबर है असमृद्धम, सी नंबर है समृद्धम, और डी नंबर है कोई नहीं। मतलब तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, समृद्ध। समृद्ध मतलब होता है विकासशील, मतलब कि जब अशोक राजा थे तो उस समय पटना जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा था। किनके समय में, अशोक के समय में। ये भी लाइन आप लोग अपनी किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, बिहारस्य कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलघर है, पटना में। कहाँ है जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, पाटलिपुत्र नगरे, यानी कि पटना नगर में गोलघर है। कहाँ पे गोलघर है, पटना। 11 नंबर प्रश्न है, कस्य नामांतरम पुष्पमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, किसका नाम बाद में बदलकर पुष्पमपुर और कुसुमपुर रखा गया था। मतलब किसका नाम इसमें से, इसमें चार जगह का नाम दिया गया है, वो कौन जगह है जिसका नाम पहले पुष्पमपुर और कुसुमपुर था। तो पहला है गंगा नदी, तो ये तो कोई जगह है ही नहीं, तिलौथा नगर ये भी नहीं है, आरा भी नहीं है, और डी नंबर है पाटलिपुत्रस्य। यानी पटना का जो पहले नाम था ना वो क्या था, पुष्पमपुर कुसुमपुर। सबसे पहले था पाटलीग्राम, क्या नाम था, पाटलीग्राम। पाटलीग्राम के बाद उसका नाम पड़ा पुष्पमपुर, फिर पुष्पमपुर के बाद नाम क्या पड़ा, कुसुमपुर, और फिर कुसुमपुर के बाद पड़ा पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद आज क्या है, पटना कहा जाता है उसको। वहां पे कुसुमपुर या पुष्पमपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि
बताया जाता है कि प्राचीन काल में पटना में बहुत ज्यादा फूलों की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? फूलों की। इसलिए उसको क्या कहा जाता था? पुष्पमपुर या कुसुमपुर, क्योंकि पुष्प और कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। तो इसमें जो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कह। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, यानी सेतु मतलब होता है पुल, कौन सा है जी? तो वो है महात्मा गांधी सेतु पुल। एक समय फिर से नया तरीके से फिर से बनाया गया है उसको, तो महात्मा गांधी सेतु पुल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, गांधी सेतु, उसको आप लोग सही करेंगे। 13 नंबर है, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसित। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी, मतलब बहुत अच्छी थी? तो वो थे कौन थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय में जो रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही संपन्न थी। ये लाइन भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं किताब में, तो आप लोग जिस पैराग्राफ को जहाँ पे कुसुमपुर और पुष्पमपुर का वर्णन किया गया है, तो उसी पैराग्राफ में आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे नहीं बल्कि ऊपर आएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर ले पैराग्राफ में मिल जाएगा क्या, चौथे लाइन में, कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व सन्मरणेषु निरूप्यति। कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था काफी आकर्षित थी, इसका वर्णन यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने काव्य में किया है। यानी मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, उसने अपने काव्य में लिखा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे तो उस समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफी संपन्न थी। तो किनके समय में थी ये? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो एक एक लाइन से ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। फिर है आपका 14 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति। पाटलिपुत्र यानी पटना किसके किसके किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, गंगा नदी। अब आइए देखिए, अब भरने वाला क्वेश्चन आ गया। जिस तरह एक पार्ट में आप लोगों को भरने वाला क्वेश्चन बताया जा रहा था कि कुछ लाइन दे देगा और उसमें से बीच वाला कोई एक शब्द गायब कर देगा, तो आपको किताब में से उसको लिखना है, वही आपको याद होना चाहिए कि इसका क्या होगा। जैसे दिया है, गंगाया उपरी गांधी सेतु नाम डॉट 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 महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति रिक्त स्थानानी पुरियत। गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु बनाया गया है डॉट डॉट महादेश, कौन से महादेश के ऊपर है ये? ये कौन से महादेश में आता है? एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इसमें आप क्या भरेंगे? एशिया, यानी एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डॉट डॉट अस्ति। पाटलिपुत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है गोलघर, दूसरा है कुसुमपुर, तीसरा है ताजमहल और चौथा है माधवपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोलघर के लिए। किसके लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, गोलगृहम। क्या होगा? गोलगृहम। 17 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम। पाटलिपुत्र का नामांतर यानी कि नाम में अंतर हुआ, नाम बदल के रखा गया डॉट डॉट प्राप्यते। तो इसमें से बताइए कौन नाम है जो पटना का मतलब नाम है? केशवपुर। क्या केशवपुर पटना का नाम था? नहीं। माधवपुर? ये भी नहीं। राघोपुर? ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है कुसुमपुर। तो यह हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि उसका नाम बदल के कुसुमपुर और पुष्पमपुर रखा गया था। किसका नाम? पटना का। 18 नंबर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव डॉट डॉट अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था, वो कौन सा वंश था? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किताब में आपका दिया होगा गुप्त वंश काल। हाँ, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे नीचे लिखा है कि शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। यानी कि ठंडी के मौसम में एक महोत्सव मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव,
जो किस वंश के काल में प्रचलित था, तो गुप्त वंश के काल में। किस काल में? तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, गुप्त वंश शासन काल। आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रस्य डॉट डॉट दिशि गंगा नदी प्रवहति, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो ऑप्शन है पूर्व श्याम यानी पूर्व दिशा, बी नंबर है दक्षिण श्याम दक्षिण दिशा, सी नंबर है पश्चिम श्याम पश्चिम दिशा, डी नंबर है उत्तर श्याम उत्तर दिशा। तो किस दिशा में है जी? तो उत्तर दिशा में है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट डॉट गुरु आसीत, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु थे? दसवें गुरु थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दसवें गुरु। और प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। तो इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का समाप्त होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 और उसको पढ़ेंगे।